साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल साइंस टॉप में। आज हम साइंस टॉप में अपनी बायोलॉजी सीरीज के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक इंडोक्राइन सिस्टम को आज हम डिस्कस करेंगे, जिसको हिंदी में कहते हैं हम अंतःस्रावी तंत्र। क्या बोलते हैं हम? अंतःस्रावी तंत्र। ठीक है, चलिए इसको हम धीरे धीरे डिस्कस करेंगे। आइए पहले इसको हम प्राइमरी सीरीज से स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपको पहले बोल दे रहा हूँ कि चाहे तो इस चैप्टर को फिर से हम 4 से 5 घंटों में कंप्लीट कर सकते हैं, क्योंकि हमें अपने एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से टू द पॉइंट पढ़ना है। इसलिए हम उन्हीं टॉपिक्स को ज्यादा हम ध्यान देंगे जहां से क्वेश्चन हमारे एग्जामिनेशन में बनते हैं, तो इस पर आप विशेष ध्यान देंगे। आइए पहली बात होती है हॉर्मोन्स होते क्या है। तो जो हॉर्मोन्स होते हैं ये एक ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जो कि किसी विशेष स्थान पर आपके सिक्रीट होते हैं, स्त्रावित होते हैं, और फिर वो अपने टारगेटेड सेल या जहां पर इनको वर्क करना होता है वहां पर जाके अपना कार्य करते हैं, या कह सकते हैं कि मैसेजेस को ये पहुंचाने का कार्य करते हैं, इसको हम हॉर्मोन्स कहते हैं। ठीक है, चलिए अब जो इन्हीं हॉर्मोन्स की क्रियाविधि को समझने के लिए हमें एंडोक्राइन सिस्टम को पूरा समझना है। इससे पहले एक टर्म होता है ग्लैंड या ग्रंथि, इसको हम ग्लैंड हिंदी में ग्रंथि कहते हैं। ग्लैंड्स आर द सेल टिश्यू और ऑर्गन्स विच सिक्रेट सम सब्सटेंसेस। जो ग्लैंड्स होते हैं वो कुछ कोशिकाओं के समूह होते हैं या उत्तक होते हैं या अंग होते हैं जो कुछ सब्सटेंसेस को सिक्रेट करते हैं, स्रावित करते हैं, और उसके बाद वो जो पदार्थ होते हैं वो अपना कार्य पूरा करने को ग्लैंड्स कहते हैं। ठीक है, आइए अब इन ह्यूमन बींग्स देयर आर थ्री टाइप ऑफ ग्लैंड्स। ह्यूमन बींग्स में आपके तीन तरह की ग्रंथियां होती हैं जो कि हमें पढ़नी है। एक आपकी है एक्सोक्राइन ग्लैंड, जिसको हिंदी में कहते हैं वही स्रावी तंत्र। दूसरा हमारा इंडोक्राइन ग्लैंड, जिसको बोलते हैं अंतःस्रावी सिस्टम या तंत्र। और नेक्स्ट हमारा है मिक्स ग्लैंड, जिसको बोलते हैं मिश्रित ग्रंथि, मिश्रित ग्रंथि। ठीक है, ये आपका हो गया वही स्रावी ग्रंथि, अंतःस्रावी ग्रंथि और आपकी मिश्रित ग्रंथि। ठीक है, आइए इसमें जो मैक्सिमम क्वेश्चन बनते हैं वो आपके इंडोक्राइन ग्लैंड से बनते हैं। किससे बनते हैं? इंडोक्राइन ग्लैंड या अंतःस्रावी ग्रंथि से बनते हैं। इसलिए इस आइए पहले हम इनको थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं, फिर हम अंतःस्रावी ग्रंथि को डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब देखिए जो एक्सोक्राइन, एक्सो मतलब बाहर, बाहर, एक्सो मतलब क्या? बाहर, एक्सो मतलब होता है बाहर। ठीक है, एक्सोक्राइन ग्लैंड ये ऐसी ग्लैंड्स होते हैं, दीज आर डक्ट ग्लैंड। इनके खुद के अपने डक्ट होते हैं, कह सकते हैं नलिकाएं होती हैं जिसमें ये आपका सिक्रीट होते हैं या स्रावित होते हैं। सिक्रेशन ऑफ एंजाइम प्रोसेस थ्रू इट, मेनली जो एंजाइम्स होती हैं जो हमने पिछले चैप्टर्स में पढ़ा हुआ है, जो एंजाइम्स होती हैं वो मेनली इन्हीं के थ्रू, इन्हीं एक्सोक्राइन ग्लैंड के थ्रू सिक्रीट होती हैं। जैसे डाइजेस्टिव ग्लैंड, आपको पता है जो हमारे पाचक रस है वो बहुत से अलग अलग ग्लैंड से, या कह सकते हैं ग्रंथियों सिक्रीट होते हैं। जिसमें आपका आप सबसे पता आपको पता है जो सबसे बड़ी ग्लैंड है वो हमारा लीवर है, उसके बाद फिर पैनक्रियाज है। इस तरह हमारा जो स्वेट ग्लैंड होती है, हमारी कुछ पसीनों के निकले अलग ग्लैंड होती हैं, म्यूकस ग्लैंड होती हैं जो कि हमारे स्टमक में भी होती है और हमारे नेजल कैविटी में भी होती है, वो म्यूकस ग्लैंड होगी। स्लाइवरी ग्लैंड, स्लाइव आपको पता है कि हमारे जीभ के नीचे से भी सिक्रेट होती है और गाल के दोनों तरफ से। तो अलग अलग ग्लैंड हैं जिनकी अपनी खुद की नलिकाएं होती है जहां सिक्रेट होती है, इनको हम ग्लैंड कहते हैं। ठीक, चलिए इसको समझ जाएंगे आप। हम और आगे चलते हैं तो हम बात करें मिक्स ग्लैंड की। मिक्स ग्लैंड की 2017-18 में पीसीएस में क्वेश्चन आया था पैनक्रियाज से, कि जो पैनक्रियाज एक किस टाइप का ग्लैंड है। सेम सेम क्वेश्चन आया था कि पैनक्रियाज किस टाइप का ग्लैंड है, तो क्या बोलेंगे आप? ये मिक्स ग्लैंड है। अब ये मिक्स ग्लैंड का मतलब क्या होता है? द ग्लैंड्स व्हिच शोज द प्रॉपर्टी ऑफ एक्सोक्राइन एज वेल एज इंडोक्राइन। ऐसे ग्लैंड्स जो कि अंतःस्रावी ग्रंथि और आपका बहिःस्रावी ग्रंथि दोनों की प्रॉपर्टीज को या दोनों के गुणों को शो करते हैं, उनको हम मिक्स ग्लैंड या आप कह सकते हैं कि मिश्रित ग्रंथि कहते हैं। इसका एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल है वो हमारा है पैनक्रियाज। ठीक है, जो पैनक्रियाज जिसको हिंदी में अग्नाशय कहते हैं, इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। ये भी सेम क्वेश्चन आया था। ठीक है, आइए इसको थोड़ा देखते हैं। पैनक्रियाज के बारे में आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा है, यहाँ थोड़ा डिस्कस करते हैं। पैनक्रियाज इट्स मिक्स ग्लैंड, ये एक मिश्रित ग्रंथि है। इट सिक्रेट्स डाइजेस्टिव एंजाइम, आपको पता है जो पैनक्रियाज होता है वो डाइजेस्टिव एंजाइम या पाचक रस को वो सिक्रेट करता है। इट ऑल्सो सिक्रेट्स हॉर्मोन्स लाइक इंसुलिन, ग्लूकागोन एंड सोमाटोस्टेनिन। ये कुछ हॉर्मोन्स को भी सिक्रेट करता है जिसमें इंसुलिन है, ग्लूकागोन और सोमाटोस्टेनिन है। इसको आपने पिछले चैप्टर में देखा, फिर भी थोड़ा सा देख लेते हैं। जो पूछा है क्वेश्चन ये बनता है कि जो इंसुलिन होता है वो किस की कमी से होता है, तो आप बोलते हैं इंसुलिन जो होता है, सॉरी जो इंसुलिन होता है वो किस किन कोशिकाओं से सिक्रेट होता है। जो पैनक्रियाज में जो बीटा कोशिकाएं होती हैं उनसे आपका इंसुलिन सिक्रेट होता है। जो अल्फा कोशिकाएं जो होती हैं वो ग्लूकागोन हॉर्मोन्स को सिक्रेट करती हैं, और जो आपका डेल्टा सेल है वो आपका सोमाटोस्टेनिन को सिक्रेट करती है। आपको पता है इंसुलिन की जब कमी हो जाती है तो हमारी बॉडी में क्या हो जाता है? डायबिटिक मिलेटस नामक रोग हो जाता है। ग्लूकागोन इसका ठीक उल्टा काम करता है। ठीक है, इसका आपने समझ लिया होगा। एक और क्वेश्चन पूछता है कि डायबिटिक इंसिपिडस क्या होता है, तो याद रखिएगा
आपकी बॉडी में वाटर का बैलेंस जो है, जब आपकी बॉडी में वाटर का बैलेंस ठीक वर्क नहीं करता, उसको हम डायबिटिक इंसिपिडिस कहते हैं। इसमें होता है कि जैसे मान लो कोई डायबिटीज का पेशेंट है, अब वो बार बार पानी पी रहा है, फिर से बार बार वो पेशाब भी जाता है, मतलब यूरिन आउटपुट भी करता है, तो जितना पानी पीता है उससे ज्यादा वो यूरिन आउटपुट करता है, तो उसकी बॉडी में हमेशा ही पानी की कमी बनी रहती है, इसलिए उसको बार बार प्यास लगती रहती है, इसको हम डायबिटिक इंसिपिडिस कहते हैं। ठीक है, आइए अब देखिए इंडोक्राइन ग्लैंड की हम बात करें। इसको पढ़ने से पहले याद रखिएगा हमें क्या क्या इसमें देखना है। पीनियल ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड जो होता है ये हमारे हाइपोथैलेमस के पास पीनियल ग्लैंड मिलता है, उसके नीचे फिर हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, फिर आपका थायराइड ग्लैंड, थायराइड के नीचे चार छोटे छोटे आपके पैराथायराइड ग्लैंड होते हैं, थाइमस है आपका, फिर हमारी एड्रिनल कॉर्टेक्स जो होता है वो किडनी के ऊपर हमारा एड्रिनल कॉर्टेक्स होता है, जहाँ से हमारा एड्रिनल सीक्रेट होता है, किडनी आपको पता ही है, पैनक्रियाज जो मैंने बोला पहले आपसे मिक्स ग्लैंड है, और इसके साथ साथ मेल और फीमेल अलग हो जाता है, जो मेल गोनैड्स बोलते हैं हम, गोनैड्स, मेल में आपका टेस्टिस होता है और जो फीमेल होती है उसमें ओवरी होता है, ठीक है, जिसकी हेल्प से वो हॉर्मोन्स को सिक्रीट करते हैं। आइए हम इसको एक एक करके डिस्कस करेंगे। देखिए अब आइए बात करते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड की, जिनको हम कहते हैं अंतःस्रावी ग्रंथि। ठीक है, अंतःस्रावी ग्रंथि की बात करते हैं, दीज आर डक्टलेस ग्लैंड, ये जो होती हैं कह सकते हैं नलिका विहीन ग्रंथियां होती हैं। अब देखिए कौन कौन से मेन है, इसमें हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड है, पैराथायराइड ग्लैंड है, एड्रिनल ग्लैंड है, गोनाड्स है, इनके बारे में धीरे धीरे डिस्कस करना। आइए देखते हैं, पहले हम देखते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड, क्योंकि सबसे अधिक क्वेश्चन यहीं से बनते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड से। ठीक है, जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है इसको हिंदी में हम पीयूष ग्रंथि भी कहते हैं, जो कि सबसे स्मॉलेस्ट ग्रंथि होती है। आइए, एट द स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड, ये सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है, इट इज फाउंड इन द सेमेनॉइड बोन ऑफ द फोरहेड एंड नोन एज द मास्टर ग्लैंड। ठीक है, इसको हम मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। ठीक है, मतलब पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं, जो कि सेमेनॉइड बोन्स के अंदर छिपा होता है। इट्स वेट इज अबाउट 0.5 to 0.8 ग्राम्स, इसका जो वजन होता है वो बहुत ही बिल्कुल मटर के दाने से भी छोटा होता है, इसका जो वजन होता है अबाउट 0.6 ग्राम, मिडिल आप अगर आप ले लेते हैं होता है। पिट्यूटरी ग्लैंड इज कंट्रोल्ड बाय हाइपोथैलेमस। अब पूछा जाता है कि पिट्यूटरी ग्लैंड का मास्टर कौन है, सेम क्वेश्चन बनता है कि भाई ये तो मास्टर ग्लैंड पिट्यूटरी ग्लैंड है, अब इसका मास्टर कौन है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड का जो मास्टर जो इसको गवर्न कर दैट इज हाइपोथैलेमस, वो कौन है, हाइपोथैलेमस। क्वेश्चन बिल्कुल पीछे से पूछा है कि पिट्यूटरी ग्लैंड का मास्टर कौन है या पिट्यूटरी ग्लैंड को कौन कंट्रोल करता है, तो आप बोलेंगे हमारा क्या है, हाइपोथैलेमस है। ठीक है, इट सिक्रेट्स मेनी हॉर्मोन्स, ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है बहुत से हॉर्मोन्स को सिक्रेट करता है, जिसमें हमारा एस्ट्रेज सोमाटोस्टिन देख लेंगे हॉर्मोन्स, फिर आपका टीसीएच है, जीएच है, एडीएच है, अलग अलग हॉर्मोन्स को फुल फॉर्म के फॉर्म देखेंगे ज्यादा सही रहेगा। ठीक है, आइए पहला हमारा है सोमाटोट्रॉपिक हार्मोन, जिसको हम एसटीएच बोल रहे हैं, एसटीएच भी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में इसको, एसटीएच। अब इसका काम क्या है, इट कंट्रोल्स द ग्रोथ ऑफ द बॉडी, ये पूरी बॉडी का जो ग्रोथ होता है उसके कंट्रोल करता है। इट एक्सेस कॉजेस, इसकी जो एक्सेस हो जाती है तो गिगेंटिज्म कॉज हो जाता है, इट लैक्स जिसकी कमी हो जाती है दैट्स कॉल्ड डॉर्फिज्म, तो उसको डॉर्फिज्म मतलब जिसको बौनापन कहते हैं ह्यूमन बींग्स में हो जाता है। ठीक, आइए अब एक और हमारा हार्मोन है टीएसएच, ये देखिए एसटीएच था, एसटीएच ये हमारा क्या है, टीएसएच, इसको बोलते हैं थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इट स्टिमुलेट्स द थायराइड ग्लैंड टू सीक्रेट हार्मोन्स, इसका बहुत ज्यादा उपयोग नहीं है, ये थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है, उसको ट्रिगर करता है कि वो आपका ग्लैंड को जैसे थायरोक्सिन वगैरह जो आपके हार्मोन्स उसको सीक्रेट करे वो। ठीक है, आइए अब इसके साथ एक और हार्मोन है ग्रोथ हार्मोन, जो ग्रोथ हार्मोन है ये भी आपको पिट्यूटरी ग्लैंड इसको सीक्रेट करती है, इट कंट्रोल्स द फंक्शन ऑफ गोनेट्स, जो गोनेट्स की बात करेंगे हम, जैसे मेल में आपका टेस्टिस होता है, फीमेल में आपकी ओवरी होती है, जो आपके गोनेट्स हैं जो आगे हमें डिस्कस करना है, उसके जो सिक्रेशन है उसको कौन कंट्रोल करता है, हमारा ग्रोथ हार्मोन कंट्रोल करता है। ठीक है, इट्स ऑफ टू टाइप, ये आपका दो टाइप का होता है, एक होता हमारा फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जिसको हम एफएसएच बोलते हैं, ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है ये मेल्स में जो टेस्टिस होता है, आपको पता होगा मेल्स में टेस्टिस होता है, टेस्टिस में स्पर्म बनते हैं, तो जो स्पर्मेटोजेनेसिस की जो प्रोसेस है टेस्टिस में वो आपका FSH, जिसको हम फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहते हैं, इसको ये ट्रिगर करता है। फीमेल में जब बात करेंगे, फीमेल में आपकी जो ओवरी होती है, फीमेल में जो ओवरी होती है और जो यूट्रस होता है, इससे ये एस्ट्रोजन हार्मोन को, इसकी स्पेलिंग ओ से भी होती है, इसे दोनों स्पेलिंग सही है, एस्ट्रोजन हार्मोन का सिक्रेशन को ये बढ़ाता है। ठीक है, इसी तरह एक तुम्हारा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है, इट स्टिमुलेट द सिक्रेशन ऑफ टेस्टोस्टेरोन इन मेल्स एंड द एस्ट्रोजन इन द हार्मोन्स इन फीमेल, ये जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है ये आपका फीमेल की बॉडी में एस्ट्रोजन और मेल की बॉडी में टेस्टोस्टेरोन को सिक्रेट करने में हेल्पफुल होता है। आइए नेक्स्ट, एक बहुत ही हार्मोन इंपॉर्टेंट हार्मोन है, अक्सर क्वेश्चन पूछा था एडीएच, इसको स्टार्टिंग इसको बोलते हैं एंटी डाई यूरेटिक हार्मोन, एंटी मीन्स होता है उल्टा और डाई यूरेटिक मतलब ये यूरिन को ठीक उल्टा वर्क करने, मतलब उसको
बैलेंस करने का काम हमारा करता है एंटी डायबिटिक हार्मोन। इसके साथ साथ हमारे प्यास को भी या थ्रस्ट को भी कंट्रोल करने का काम करता है। इट्स ऑल्सो नोन एज वैसोप्रेसिन। पीसेस में बिल्कुल पूछा है कि वैसोप्रेसिन किस हार्मोन का दूसरा नाम है, क्या बोलेंगे आप? एडीएच का, जिसको बोलते हैं एंटी डायबिटिक हार्मोन का दूसरा नाम है। इट इज हेल्पफुल इन मेंटेनिंग द वाटर बैलेंस इन द बॉडी। ये पूरी बॉडी में जो वाटर का बैलेंस है, हमें जो प्यास लगती है उसके जो बैलेंस को बनाने का जो कार्य करता है वो हमारा एंटी डायुरेटिक हार्मोन करता है। एंड रिड्यूसेस द वॉल्यूम ऑफ यूरिन। और ये बॉडी में जो यूरिन का वॉल्यूम है उसको भी कम करता है। मान लीजिए कि हमारा एक इंसान हो गया, ठीक है, इसकी बॉडी में किडनी, आपको पता है किडनी का काम क्या है कि पूरी बॉडी से जो ब्लड आता है ब्लड किडनी में आता है और छान के यूरिन बनाया जाता है, ठीक है। अब मान लीजिए कि अब ये बहुत ज्यादा अगर ब्लड को छानेगा, जो हमारी किडनी अगर ब्लड को बहुत ज्यादा छानेगा तो यूरिन बनेगा, फिर यूरिन जो होगा यूरिनरी ब्लैडर में वो कलेक्ट होगा, और फिर कलेक्ट होने के बाद फिर यूरेथ्रा से बाहर हो जाएगा। तो मान लीजिए कि हम किसी ऐसे स्थान पे हैं जहां पे हमें पानी नहीं मिल रहा है, जब पानी की हमारी बॉडी में कमी हो जाती है तो हमारा जो हाइपोथैलेमस होता है वो मैसेज देता है कि अरे भैया पानी पियो, हमारी बॉडी बोलता है पानी पियो। और मान लीजिए पानी अवेलेबल नहीं है, या हमें पता लगे कि 2-3 घंटे या 4 घंटे 6 घंटे तक पानी नहीं मिलेगा, तो वहां पे जो हमारा ये एडीएच हार्मोन जो कि हमारे सिक्रेट होता है, ये एडीएच जो होता है वो किडनी के ऊपर ही मिलते हैं, वैसोप्रेसिन जो बोल रहा हूँ मैं, ये सिक्रेट होता है। और ये सिक्रेट होने के बाद ये किडनी को मैसेज देता है कि यार जो फिल्ट्रेशन का काम है, जो आप पानी को बार बार निकाल रहे हो यूरिन के फॉर्म में, उसको आप कम कर दो। तो उससे होगा ये कि जो हमारा पानी होगा, जो किडनी जो पानी को छान रही थी वो पानी को छाने की कम, और फिर से यूरिन में बाहर फिर से वो ब्लड में डाल देगी। सिर्फ ब्लड में डालने से होगा ये कि ब्लड में हमारा वाटर का लेवल इंक्रीज हो जाएगा। जब ब्लड में हमारा वाटर का लेवल इंक्रीज हो जाएगा तो ब्लड हमारा क्या होगा, पतला हो जाएगा, और जब ब्लड पतला हो जाएगा तो ब्लड प्रेशर आपका बढ़ जाएगा। तो इसलिए आप ये कह सकते हैं इट्स इंक्रीज सिक्रेशन मेक्स यूरिन कंसेंट्रेटेड। अब भाई जब इसका सिक्रेशन बढ़ेगा तो आपको पता है यूरिन कम बनेगा, जब यूरिन कम बनेगा यूरिन गाढ़ा हो जाएगा एंड ब्लड डायल्यूटेड, और ब्लड क्या हो जाएगा, पतला हो गया ना, क्योंकि इसने कहा कि भैया आप कम से कम यूरिन बनाइए। इसने किडनी को क्या मैसेज दिया, आप कम से कम यूरिन, जब यूरिन कम बनेगा तो फिर जो पानी होगा एक्सेस वाला उसको फिर से ब्लड में डाला जा रहा है ताकि हमें प्यास ना लगे। तो ये हमारा तो जो ब्लड है वो पतला हो गया, जब ब्लड पतला हो गया तो प्रेशर ज्यादा जनरेट करेगा, दैट्स व्हाई इट ऑल्सो इंक्रीजेस द ब्लड प्रेशर। ये जो आपका एडीएच का एक्सेस सिक्रेशन है वो आपका ब्लड प्रेशर को भी इंक्रीज करता है। याद रखिए कि हमारी बॉडी में जो वाटर का बैलेंस है, हमें जो प्यास वगैरह लगती है वो इसी एडीएच हार्मोन के चलते ही लगती है। आइए देखते हैं नेक्स्ट हमारा है ग्लैंड जो है दैट इज थायराइड ग्लैंड, जिसको थायराइड ग्लैंड को थायराइड ग्लैंड बस हिंदी नहीं होती है, ठीक है। इट इज फाउंड बिलो द लैरिंग्स, जो हमारा वोकल कॉर्ड जिसको हम लैरिंग्स कहते हैं वहां पे मिलता है, बोथ साइड ऑफ द रेस्पेक्टिव ट्रैकिया। जो हमारा ट्रैकिया होता है ह्यूमन बींग्स का, इसमें दोनों तरफ आपका थायराइड ग्लैंड मिलते हैं। इट सिक्रेट्स थायरोक्सिन एंड ट्राईआयोडोथायरोनिन, ये दो हार्मोन्स को सिक्रेट करता है, एक आपका थायरोक्सिन और एक ट्राईआयोडोथायरोनिन, थायरोनिन बोलते हैं। ज्यादा क्वेश्चन आपके थायरोक्सिन संबंधित से इसको देखते हैं। देखिए जो थायरोक्सिन है इट कंट्रोल्स द मेटाबॉलिक रेट ऑफ द बॉडी। जब किसी की बॉडी में भी थायराइड की कमी हो जाती है तो आपको पता है जो पूरी बॉडी की मेटाबॉलिज्म है, जो पूरी बॉडी को चलाने की जो प्रक्रिया है वो आपकी इंबैलेंस हो जाती है। सो यू कैन से इट कंट्रोल्स द मेटाबॉलिक रेट ऑफ द बॉडी। इट इज नेसेसरी फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बोनी स्ट्रक्चर। हमारी बॉडी के जो बोनी स्ट्रक्चर, इसके साथ से जो बाल है नाखून है, इनकी भी जो डेवलपमेंट के लिए जो नेसेसरी हॉर्मोन्स है दैट इज द थायरोक्सिन। क्योंकि आपको पता भी है मेटाबॉलिक रेट को भी कंट्रोल कर रहा है, सो इट ऑल्सो रिटार्ड द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बोनी स्ट्रक्चर, ठीक है। तो अगर ये कम हुआ या ज्यादा हुआ तो हमारी जो बोनी स्ट्रक्चर बॉडी का उसको रिटार्ड कर देगा, रोक देगा, ठीक है। इट्स डिफियंसिस कॉजेस किडनीज, इसकी डिफिशियंसी बहुत से रोग होते हैं जो मेनली कमी से, इसकी बहुत से रोग होते हैं जो मेन मेन रोग इसमें आपका किडनीज्म है, ठीक है। फिर आपका ग्वाइटर होता है जिसको हिंदी में घेंघा कहते हैं या गलगोटू भी कहते हैं, घेंघा कहते हैं। ये आपका आयोडीन की डिफिशियंसी, हमारी बॉडी में जब आयोडीन की कमी हो जाती है, हमारी बॉडी में जब आयोडीन की कमी हो जाती है तो उस कंडीशन में हमारा थायरोक्सिन कम बनेगा, जब थायरोक्सिन कम बनेगा तो फिर हमारी बॉडी में कैसे ग्वाइटर के घेंघा हो जाएगा, ठीक है। फिर आपको कहते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म, तो आपको पता है कि हाइपोथायरॉइड हाइपो मींस होता है कम, तो आपकी बॉडी में थायरोक्सिन कम हो जाएगा तो जो रिप्रोडक्शन की प्रोसेस है, जो आपको पता है मेल फीमेल दोनों में रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती है जिसके थ्रू अपने बच्चों को जन्म देते हैं, तो जो नॉर्मल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस है वो आपकी बहुत ही धीमी हो जाती है, तो ये हाइपोथायरॉइडिज्म, तब थायरोक्सिन कम हो जाएगा तो आपकी बॉडी वीकनेस वगैरह ज्यादा होती है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जब रुक जाएगा तो आप ये कह सकते हैं कि जो नॉर्मल रिप्रोडक्शन प्रोसेस वो आपका कम हो जाएगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट हमारा है पैराथायरॉयड ग्लैंड। ये आपका जो थायरॉयड ग्लैंड के ठीक नीचे आपको चार छोटे छोटे बिंदियों के फॉर्म में मिलते हैं थायरॉयड ग्लैंड। देखिए आज देख लेते हैं इसको पैराथायरॉयड। इट इज फाउंड ऑन द बैक ऑफ द थायरॉयड ग्लैंड, ये थायरॉयड ग्लैंड के जस्ट पीछे सामने ही मिल जाते हैं। इट सिक्रेट्स टू हॉर्मोन्स, इससे मिली दो हॉर्मोन सिक्रेट होते हैं, क्वेश्चन बनते हैं। एक आपका होता है
पैराथायरॉयड हार्मोन। भाई थायरॉयड, पैराथायरॉयड ग्लैंड है तो क्या सिक्रेट करेगा ये? पैराथायरॉयड हार्मोन। और दूसरा सिक्रेट करता है हमारा ये कैल्सिटोनिन हार्मोन। क्या करता है? कैल्सिटोनिन हार्मोन। एक को देखिए दूसरा आप समझ जाएंगे। अब अगर बात करते हैं पैराथायरॉयड हार्मोन की, इट इज सिक्रेटेड व्हेन देयर विल बी डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम इन ब्लड। जब हमारी बॉडी में कैल्शियम की कमी हो जाएगी, मतलब ब्लड की बात कर रहे हैं, जब भी हमारे ब्लड में कैल्शियम की कमी हो जाएगी तो पैराथायरॉयड की कह सकते हैं कि सॉरी इट सिक्रेटेड, जब हमारी बॉडी में पैराथायरॉयड हार्मोन की कमी हो जाएगी तो हमारी कैल्शियम की भी कमी हो जाएगी। ठीक है, जब हमारी बॉडी में इट इज सिक्रेटेड व्हेन देयर विल बी डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम इन द बॉडी, जब बॉडी में हमारी कैल्शियम की कमी हो गई तो हमारा पैराथायरॉयड हार्मोन आपका सिक्रेट कर दिया जाएगा। जब भी, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जब भी हमारी बॉडी में कह सकते हैं ब्लड में कैल्शियम की कमी हो जाएगी तो हमारा पैराथायरॉयड हार्मोन जो है वो पैराथायरॉयड ग्लैंड से सिक्रेट कर दिया जाएगा। इसी तरह जो कैल्सिटोनिन है ये आपका, दिस हार्मोन इज रिलीज्ड व्हेन देयर विल बी एक्सेस ऑफ कैल्शियम इन द ब्लड। और जब हमारी बॉडी में बहुत ही ज्यादा कैल्शियम, हमारे ब्लड में बहुत ही ज्यादा कैल्शियम हो जाएगा तो उस कंडीशन में कैल्सिटोनिन सिक्रेट होता है जो कि उसको कम करने का कार्य करता है। ठीक है, इस दोनों को देख लीजिएगा। अब नेक्स्ट हम बात एड्रेनल ग्लैंड की, जिसको हम इसे जो हार्मोन सिक्रेट होते हैं उसको फाइट एंड फाइट हार्मोन नहीं कहते, देखेंगे इसको भी हम। देर आर टू पार्ट ऑफ दिस ग्लैंड। इस ग्लैंड के दो पार्ट होते हैं, एक होता है कॉर्टेक्स, एक होता है मेडुला। दो पार्ट होते हैं, एक होता है कॉर्टेक्स, एक होता है मेडुला। मेडुला से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, पर फिर हम कॉर्टेक्स देख ले। कॉर्टेक्स से दो आपके हार्मोन सिक्रेट होता है, एक होता हमारा ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स और एक होता है मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स जो होता है जो हमारे फैट हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन्स हो गया, इसका डाइजेशन, और इसके डाइजेशन के साथ साथ इनके मेटाबॉलिज्म में भी काम करता है। और जो मिनरल कॉर्टिकॉइड्स है ये आपके मिनरल या आयंस के, हमारी बॉडी में जो आयंस के बैलेंस को बनाने का काम जो आपका मिनरल कॉर्टिकॉइड्स करता है, जो कि आपका कॉर्टेक्स से सिक्रेट होता है। क्वेश्चन बनते हैं मेडुला से, मतलब मेडुला में आते हैं। मेडुला में दो हार्मोन मेनली सिक्रेट ज्यादा करते हैं, जैसे हम कहते हैं एड्रेनलिन, बहुत इंपॉर्टेंट एड्रेनलिन, इसको हम एपिनेफ्रिन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एड्रेनलिन या एपिनेफ्रिन एक ही बात है। इट इंक्रीजेस द कंसंट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द हार्ट मसल्स। ये हमारी जो हार्ट की, हृदय के जो मसल्स हैं, ठीक है, जिसको आप कह सकते हैं कार्डिक मसल्स कहते हैं, उसको ये प्रेशर दे देता है, जिसके चलते हमारा ब्लड प्रेशर बहुत ही हाई हो जाता है। इसका ठीक उल्टा भाई होता है, जैसे एपिनेफ्रिन हो गया, इसका उल्टा हो जाता है हमारा नॉर एपिनेफ्रिन। ये ठीक उल्टा, ये हमारी जो कार्डिक मसल्स है उसको रिलैक्स, ये आराम करने का काम करता है, और इसके और ये ब्लड प्रेशर को कम करता है। ठीक उल्टा एड्रेनलिन क्या करेगा, जब एड्रेनलिन जब सीक्रेट होता है तो आपका ब्लड प्रेशर बहुत ही बढ़ जाएगा, घबरा जाएगा, घबराहट हो जाएगी बॉडी में। ठीक है, आपका ब्लड प्रेशर बहुत तेज से बढ़ेगा, बहुत तेज से आपका हृदय जो धड़कने लगेगा, क्योंकि मसल्स जब टाइट होंगी, मसल्स जब ज्यादा टाइट होंगी तो बहुत तेज से वो ब्लड को पंप करेंगे पूरी बॉडी में, बहुत तेज से ब्लड जाएगा, आपको गुस्सा आएगा, आपकी बॉडी में झंझनाहट आने जाएगी, टेंशन आना स्टार्ट हो जाती है। ये एड्रेनलिन का काम है। और जो नॉरएपिनेफ्रिन है ठीक उल्टा, ये आपकी बॉडी को रिलैक्स पोजिशन में लेके आता है। इसलिए बोला जाता है कि जब भी आपको बहुत गुस्सा आए तो क्या बोला जाता है कि आप काम ये करिए कि आप 5 या 10 तक गिनती करें, ताकि आपका माइंड कहीं थोड़ा डाइवर्ट हो जाए। आप पानी पीजिए। पानी पीने से होता है कि हमारी बॉडी के ब्लड में तुरंत ही वाटर डाल दिया जाता है, जब वाटर डाल जब मिल जाएगा उसमें, तो फिर जो आपका ब्लड प्रेशर है वो थोड़ा सा कंट्रोल हो जाता है। ठीक है, आइए देखते हैं इसको। अब हार्मोन सिक्रेटेड बाय एड्रेनल ग्लैंड। अब जो एड्रेनल ग्लैंड से जो हार्मोन सिक्रेट होते हैं, जिसको हम कहते हैं लड़ो और भागो, ठीक है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं फाइट फ्लाइट एंड फाइट हार्मोन। ठीक है, याद रखिएगा एड्रेनल ग्लैंड को हम बोलते हैं। ये डर के माहौल में, संवेदना के माहौल में ये आपका एड्रेनल ग्लैंड सिक्रेट होता है, सिक्रेट करता है एड्रेनलिन को। अब हम बात करें गोनाड्स की। हमारी बॉडी को दो ही गोनाड्स है, एक टेस्टिस एक ओवरी। टेस्टिस जो होता है मेल्स में होता है, मेल में, इट इज अ मेल ऑर्गन। टेस्टिस दो होते हैं, इट इज अ मेल ऑर्गन गार्डेड बाय स्कोटम। जो स्कोटम एक बाहर झिल्ली होती है जो कि टेम्परेचर को मेंटेन करने का काम करती है, और ये गार्ड या रक्षा करती है हमारे टेस्टिस के। ठीक है, हार्मोन सिक्रेटेड बाय द टेस्टिस इज द टेस्टोस्टेरोन। जो हार्मोन टेस्टिस से सिक्रेट होता है उसको बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन। टेस्टिस नेम इंडिकेट करेगा टेस्टोस्टेरोन। हार्मोन्स टेस्टिस क्या सिक्रेट करेगा? आपका टेस्टोस्टेरोन। और जो टेस्टोस्टेरोन है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड द सेक्सुअल बिहेवियर ऑफ द मेल। ये हमारे मेल्स के अंदर जो भी सेक्सुअल, जो भी आपके आपको पता है प्यूबर्टी के बाद यौवनावस्था जब आती है, तो हमारी बॉडी में जो जो चेंजेस आते हैं, जैसे दाढ़ी मूछ होना, आवाज का भारी होना, जो सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इसके साथ साथ मेल में जो सेक्सुअल डिजायर्स जो जागती हैं उसके लिए भी हमारा ये टेस्टोस्टेरोन रिस्पॉन्सिबल होता है। अब आइए फीमेल को देखते हैं। जो फीमेल जो गोनाड है, दैट इज ओवरी, इसको हम ओवरी कहते हैं। ठीक है, इट इज अ फीमेल ऑर्गन। ये आपका फीमेल ऑर्गन है। इट इज सिक्रेटेड, इट सिक्रेट एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन रिलैक्सिन हार्मोन। ये तीन हार्मोन मिली सिक्रेट करता है, जिसको हम बोलते हैं एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन और रिलैक्सिन हार्मोन। ठीक है, आइए
एक एक करके थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। आइए पहले देखते हैं ऑस्ट्रोजन को। इट स्टिमुलेट्स द डेवलपमेंट ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन सेकेंडरी फीमेल कैरेक्टरिस्टिक। जो काम हमारा टेस्टोस्टेरोन का मेल में था, वही काम आपका एस्ट्रोजन का, इसको ऑस्ट्रोजन एस्ट्रोजन ही बोलते हैं, एस्ट्रोजन का यही काम आपकी फीमेल में। फीमेल में क्या करता है, इट स्टिमुलेट्स द डेवलपमेंट ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। फीमेल के जो प्रोडक्टिव ऑर्गन, या कह सकते हैं जो ब्रेस्ट इनलार्जमेंट हो जाती है फीमेल्स में, इसके साथ साथ जो उनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो आपके ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं, वो एस्ट्रोजन की ज़्यादा सिक्रेशन के चलते होते हैं। इसके साथ साथ फीमेल्स में जो सेकेंडरी कैरेक्टर्स डेवलप होते हैं, उसके लिए भी आपका एस्ट्रोजन रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, आइए दूसरा देखते हैं प्रोजेस्टेरॉन को। इट स्टिमुलेट्स द थिकनिंग ऑफ द यूट्रस लाइनिंग ड्यूरिंग ओवेरियन पीरियड। आपको पता है फीमेल्स का आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल से पहले जो ओवेरियन साइकिल होती है, उसमें जो आपको, अगर आपने आपने देखा होगा या पढ़ा होगा थोड़ा सा, तो ये थिकनिंग यूट्रस की जो वॉल है, जो यूट्रस की वॉल है, इसकी जो थिकनिंग का काम करता है वो आपका प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन करता है। इसके साथ साथ ये यूट्रस, जिसमें आपका बच्चा, आपको पता है कि कंसीव होने के बाद बच्चा इसी में आपका डेवलप होता है, तो यूट्रस की लाइनिंग को भी डेवलप करने का काम आपको प्रोजेस्टेरॉन करता है। नेक्स्ट हमारे रिलैक्सिन हार्मोन। रिलैक्सिन हार्मोन ये माताओं को दिया गया एक वरदान है ईश्वर की तरफ से। आपको पता है कि रिलैक्सिन हार्मोन अगर सिक्रेट ना हो, तो फिर जो बेबी, जो इन्फेंट जो है, जो कि माँ के पेट से बाहर आता है, वो इतना दर्द, इतना पेन से बाहर ना आ पाए, क्योंकि मदर को इतना ज़्यादा पेन होता है बच्ची की डिलीवरी के समय, यू कांट इमेजिन अबाउट, पता नहीं कितना डाइन होता है, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं आ रहा है। तो हमारी बॉडी में सोचिए ईश्वर ने कितना अच्छा है बना रखा है कि हार्मोन रिलैक्सिन सिक्रेट होता है। इट इज सिक्रेट बाय यूट्रस, जो फीमेल के यूट्रस और प्लेसेंटा ये सिक्रेट करते हैं आप ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी में। और इसके सिक्रेट करने से होता यह है कि स्मूथेंस द प्यूबिक एरिया, जो फीमेल का जो प्यूबिक एरिया होता है उसको वो ढीला कर देता है। इसके साथ साथ जो यूट्राइन सर्विक्स होता है उसको भी ढीला कर देता है, ताकि बच्चा जो आराम से डिलीवरी से बाहर आ सके। ये आपका काम रिलैक्सिन का, रिलैक्सिन रिलैक्स करने का, मतलब फीमेल की बॉडी को रिलैक्स में दे देता है। इसके साथ साथ जो प्यूबिक एरिया उसको ढीला कर देता है, जो यूट्राइन सर्विक्स उसको भी ढीला कर देता है, ताकि बेबी आराम से बाहर आती है, रिलैक्सिन का काम है। ठीक है, एस्ट्रोजन का काम क्या है, फीमेल के कैरेक्टरिस्टिक्स को डेवलपमेंट करने का काम करता है। प्रोजेस्टेरॉन का काम क्या है, ये जो यूट्रस की लाइनिंग है उसको ये ठीक करने का या उसके डेवलपमेंट का काम करता है। अब कुछ और भी हॉर्मोन्स है इसमें, एक बार ऑक्सीटोसिन। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेक्सुअल डिजायर्स एंड ऑल्सो हेल्प इन द इन्फेंट फॉर मिल्क इजेक्शन। हमारी बॉडी में जो मेल या फीमेल की बॉडी में जो आपके सेक्सुअल डिजायर्स का डेवलपमेंट होता है, जो सेक्सुअल डिजायर्स जो डेवलप होती है, वो ऑक्सीटोसिन हॉर्मोन्स के चलते। जैसे मान लिया आपने कोई मूवी देख लिया, आपके अंदर सेक्सुअल डिजायर्स आ रही है, तो आप समझ जाए आपकी बॉडी में ऑक्सीटोसिन सिक्रेट हो रहा है। ठीक है, एंड इट्स ऑल्सो हेल्पफुल इन द इन्फेंट फॉर मिल्क इजेक्शन। जो आपको पता है जो माँ जो बच्चे को जन्म देती है, तो जो देखते हैं कि बच्चे को देखते ही उसकी बॉडी में, बच्चे को देखते हैं उसकी बॉडी में आप देखते हैं कि मिल्क जो उतरने लगता है, उनके मैमल ग्लैंड जो मिल्क उतरने लगता है, तो वो क्यों होने लगता है कि उनकी बॉडी जो होती है वो ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स को सिक्रेट करती है, जिसके उनके मैमल ग्लैंड में आपका मिल्क हो जाता है और बच्चा उसको चूसता है। इसके साथ साथ जो गाय भैंसों को आप देखते हैं, गाय भैंसों को यही ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन लगाया जाता है, ताकि वो ज़्यादा दूध दे सके। जैसा आपने देखा ही होगा, जब आप गाय या भैंस की बछड़ों को छोड़ते हैं, तो जो फीमेल जो आपकी गाय या भैंस होती है, उनके थनों में दूध आ जाता है, वो टाइट हो जाता है, क्योंकि जब अपने बच्चों को देखते हैं तो उनकी बॉडी में भी ऑक्सीटोसिन सिक्रेट होता है, जिससे उनका जो आप कह सकते थन का एरिया है, या आप कह सकते हैं कि उनका जो निप्पल का एरिया है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा मिल्क पहुँचने लगता है। सेम यही प्रोसेस हमारा ह्यूमन बींग्स में भी होता है, जैसे ही माँ अपने बच्चों को देखती है तो उनकी बॉडी में भी उनके मतलब ऑक्सीटोसिन सिक्रेट होता है, जिसके चलते उनका जो ब्रेस्ट एरिया है या मेमेलियन एरिया है, वहाँ पे हमारा मिल्क ज़्यादा पहुँच जाता है, फिर बच्चा उसको सक कर लेता है। नेक्स्ट हमारा प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन हार्मोन हेल्प इन द लैक्टेशन आफ्टर द बर्थ ऑफ इन्फेंट। प्रोलैक्टिन, लैक्टिन से, लैक्टिन से रिलेटेड करें, लैक्टिन मतलब लैक्टोज से, मतलब दूध से। तो ये प्रोलैक्टिन होता है, जब माँ बच्चे को जन्म देती है तो उसके जो दूध को पूर्ति करने का काम जो होता है प्रोलैक्टिन करता है। अब हमारी बॉडी में ग्लैंड होती है पीनियल ग्लैंड, जो बहुत ही छोटी होती है, मटर के आकार की पीनियल ग्लैंड होती है। इट सिक्रेट्स द मेलाटोनिन हार्मोन। ये क्वेश्चन पूछा इसलिए मैंने इसको डाला है, ये एक हार्मोन सिक्रेट करता है मेलाटोनिन। याद रखिएगा, पूछा जाता है मेलाटोनिन कौन सिक्रेट करता है, क्या बोलेंगे आप, पीनियल ग्लैंड, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्लीपिंग प्रोसेस। आपको पता है कि अंधेरे में जो मेलाटोनिन होता है, आपको जो जिस ह्यूमन बींग से बात में कर रहा हूँ, जब हम सोते हैं, आप देखते हैं कुछ लोग कहते हैं लाइट बंद हो तभी हम सोएंगे, क्यों ऐसा होता है, क्योंकि जब लाइट अब बंद होती है, तुम्हारी बॉडी जो होती है, मतलब पीनियल ग्लैंड, वो मेलाटोनिन हार्मोन सिक्रेट करते हैं, और इसी मेलाटोनिन हार्मोन के चलते हमें नींद आती है। मान लीजिए अगर आपको दिन में सोना हो, तो आप लाइट पूरी बंद अंधेरा कर दीजिए, तो आप देखेंगे कि हमारी बॉडी जो पीनियल ग्लैंड होगी वो मेलाटोनिन हार्मोन को सिक्रेट करेगी, जिससे चलते आपको नींद आनी स्टार्ट हो जाएगी। और वही जब चाय पी लेते हैं, कॉफी पी लेते हैं, तो जो मेलाटोनिन का सिक्रेशन होता है वो कम हो जाता है, जिसके चलते आपको फिर जल्दी नींद नहीं आती है। इसी तरह एक और पिगमेंट होता है मेलानिन। इससे भी क्वेश्चन बना, मेलानिन दो और मेलाटोनिन दोनों अंतर है।
मेलाटोनिन नींद को भगाने का काम करता है। और जो मेलानिन है एक ऐसा पिगमेंट है जो तुम्हारी बॉडी की जो स्किन है जब वो धूप में जाती है, बॉडी की स्किन जब वो धूप में जाती है तो एक पिगमेंट सिक्रेट करती है, उसका नाम है मेलानिन। और इसी के चलते हमारा जो कलर होता है वो आपका ब्लैकिश या कैसे डार्क हो जाता है। मैं फिर से रिपीट करके, मान लीजिए कि हम बाहर गए, हमारा जो हाथ का एरिया है, आपने देखा फीमेल्स लोग बहुत सारे ग्लव्स पहन के चलती हैं, या हमारा जो भी स्किन जो सनलाइट के एक्सपोजर में आ रहा है, तो अब उस सनलाइट से रक्षा के लिए हमारी बॉडी जो होती है वो मेलानिन सिक्रीट करती है, मेलानिन सिक्रीट करती है, इसके चलते हमारा एरिया जो होता है वो सांवला या कह सकते हैं डल पड़ जाता है। तो मेलानिन का काम है। और जो भी फेयरनेस क्रीम्स आती है वो दावा ये करते हैं कि हम एंटी मेलानिन पिगमेंट, हम एंटी मेलानिन वो क्रीम है जो कि मेलानिन को कम करती है। तो आप समझ सकते हैं कैसे लोग बनाते हो। ठीक है, चलिए इस तरह हमारा जो चैप्टर था पूरा फिनिश हो गया। फिर से जो थायराइड ग्लैंड वगैरह पूरा देख लीजिएगा, इसको क्वेश्चंस बहुत ही सॉलिड बनते हैं। तो अगर आपको हमारा कार्य अच्छा लग रहा है तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए, और आपके जो भी अवेलेबल कमेंट्स हो उसको प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। तब तक के लिए खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। जय हिंद, जय भारत।